आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तिवारी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी महेश कुमावत ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश सचिव सुरेंद्र चंडालिया और विधायक रामलाल मीणा के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने भाषण में कांग्रेस ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर पाकिस्तान पर कार्यवाही के नाम पर देश को झूठ बोलने और विश्वासघात करने के भी आरोप लगाए। इसके अलावा विधायक रामलाल मीणा ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि वे जिले के 21 होनहार छात्रों का MBBS की पढ़ाई का खर्च वहन करने को तैयार हैं, ताकि जिले को स्थानीय डॉक्टर मिले और फिर वे स्थानांतरण करवाकर बाहर न जाएं। सभा का मकसद आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर जिताने को लेकर की गई। खबर आपकी राजस्थान से, दिलीप टांग की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम ओबीसी विभाग कांग्रेस का जो विभाग है उसका प्रोग्राम था, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेके ये कार्यक्रम था, ताकि कांग्रेस में यह मजबूती आए और सभी कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य रखा है कि विधानसभा से ज़्यादा वोट हमें प्राप्त हो, ताकि देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सके और देश को किसानों को का भला हो सके। आज राहुल गांधी जी का उद्देश्य किसानों का कर्जा माफ़ हो, किसानों का बिजली बिल हाफ हो और किसानों की जो जो समस्या आ रही है, आत्महत्या करने जबकि स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो सब से समाधान मिले। और राहुल गांधी जी का सपना है कि देश का एक भी किसान कर्जे में नहीं रहेगा, इसको लेके हम चल रहे हैं। उसी के लिए ये आज कार्यक्रम था और हम लोकसभा चुनाव में 80